which we use in our everyday. ये चमन आबाद रहे, इसके माली हो बाब वकार मगन। ये चमन आबाद आए, शेखुल आलम कंगन। My top is Thawar Pudyal. I Ithikar B from 10th standard, the student of IMS Academy, and today I am going to tell you about drug addiction. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Respected chief guests, my dear brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Drug addiction. मगर सान प्रोग्राम करने का वजह क्या है? इस कैस समय ये थन तो इस कैस करियो ते जमा ये तू की मासा ड्रग एडिक्शन के शिकार और सथन सासन में जो तेदाद जो चूर सास सच कोयरन चूर सास कोयर से ड्रग एडिक्शन का तो इस दमन के या उस लड़का नहीं दर्द कार ते इस कैस नहीं कोयरी बट तो जो सुमन फ्यूचर पकनाम बोल ब्रो आप गुजर तेम छ आसान पानी जिंदगी गुजरम भाई मान वल थो मे कुन जोन भाई मान वल थो मे कुन जोन सिगरेट तमोखा गश चुन भाई मान वल थो मे कुन जोन सिगरेट तमोखा गश चुन शराब ते सिगरेट ये चवान शराब ते सिगरेट ये चवान कड़ मह इन पाम कान झुन त्रव सोरी वल थव जोन झुन त्रव सोरी वल थव जोन सिगरेट आ ये गुन आपको यहाँ से निकलने के बाद अपने मोहल्ले में अपने गांव में ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस And my dear good friends, I offer welcome to all of you with the greeting of Islam. That's Assalamu Alaikum. Alaikum Assalam. Going to present my topic in front of need to consume substances that have damaging consequences on the user, not just the body but also the person's mental health and soundness of mind. Addiction is जानवर से भी पत्थर बना देती है. इस्तेमाल की वजह से लाखों अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं. इकबाल दूसरी जगह फरमाते हैं इंसान के रूह की असली हकीकत गम है. इस्लाम इंसान की असल रूह की हकीकत गम है. खुशी एक आजिश है. खुशी तो एक आजिश है. आप ये सोचो कि इंसान जो है अगर इसकी जिंदगी 20 साल 25 साल 100 साल है इसकी ज्यादा से ज्यादा जिंदगी इसकी गम में कटेगी. इसका यह मतलब वो ड्रग करेगा. हमें रूट कॉज पहचाना है ड्रग्स के, यानी कि अगर कोई ड्रग्स का अब्यूज कर रहा है, ड्रग्स को गलत इस्तेमाल कर रहा है, हम उसके कॉज पे जाएंगे, इसको उसके रूट पे जाएंगे. इस वबा से हम काबू पा सकते हैं. इस वबा को हम अपनी जिंदगी से दूर कर सकते हैं. दिमाग क्रूड कॉपी रफ कॉपी बनाओ तो तक मे ये चीज मोबाइल मन सिम कार्ड बनान कौत लोकान मगर क्रूड कॉपी बनाओ अडिंग बनाव बट अगर कोई ड्रग पेडलर है उसको मुझे पकड़ना तो है ना. बट हमारा कानून कुछ इस तरीके से है कि हमें एविडेंसेस चाहिए होते हैं. आफ्ताब साहब ने आपका बोनीबाग का एक्सपीरियंस बताया. पिछले 2 हफ्ते पहले हमने यहाँ 10 किलो नारकोटिक सब्सटेंस पड़ा गनीमत में, डे लाइट में. मौजी शहरी भी थे वहाँ, मस्जिद के इमाम साहब भी थे, सरपंच भी थे, बट अनफॉर्चुनेटली कोई गवाही देने नहीं आया. आज का टॉपिक जो हमारा है वो ड्रग है, ड्रग एडिक्शन. तो ये जो ड्रग है अगर कोई बच्चा इसको यूज करता है, पहले उसका घर, जो उस लड़के का घर है, कोई बच्चे का जो यूज करता है उसका घर पे तबाह होता है. आप देखो अगर कोई पेरेंट आप देखोगे जिसका बच्चा ड्रग यूज करता हो उसे पूछो घर में क्या प्रॉब्लम होती है. सबसे पहले वो अपना घर तबाह कर देता है, उसके बाद तो उसकी सोसाइटी है, आस पास पड़ोसी. धीरे धीरे ये लत उनमें फैल जाती है और धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल जाती है. फिर भी मैं यहाँ 1 साल से पोस्टेड हूँ
मैंने यहाँ देखा ये इलाका फिर भी बहुत हद तक बचा हुआ है। जो जो हालत मैंने दूसरे इलाकों की देखी, मैं श्रीनगर में था पहले, वहाँ की हालत देख के कंपेयर करूँगा इस इलाके से। फिर भी अगर आप चाहो अभी भी इस जो एक ड्रग की एडिक्शन है बच सकते हो। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आवाज़ एंड एहसास फाउंडेशन का, जिन्होंने ये प्रोग्राम जो है मुनक़द किया, लेकिन इसमें खाली उनका रोल नहीं है बल्कि शेख वाला पब्लिक हाई स्कूल कन्वीन या दीगर जो वहाँ के सेंटर्स जो है उन्होंने भी इसमें जो है पार्टिसिपेशन अपनी दिखाई। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, तो ऐसा प्रोग्राम जो है हमारे सब डिजन में होने चाहिए। तो इनसे एक अच्छी मैसेज जो है वो यूथ तक जाती है, तो उनके जरिए हम यूथ को जो है इन ड्रग्स के से जो है वो बात आ सकते हैं। बताइए। हाँ, मेरा नाम इरशाद अहमद है और मैं ड्रग फ्री वर्ल्ड कश्मीर का प्रेसिडेंट हूँ। जो आज सबसे पहले आवाज़ और एहसास फाउंडेशन का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ मदु किया, और ये एक वक्त की ज़रूरत है। ये इस पर लब कुशाई करना न सिर्फ मेरा काम है, बल्कि इस पर लब कुशाई करना मेरे हिसाब से सोसाइटी के जो भी अफराद है उनका काम है। उन्हें चाहिए कि वो इस पर बोलिए, क्योंकि एक कश्मीर, हमारे कश्मीर में एक अलार्मिंग सिचुएशन है। जो आप देख सकते हैं कि जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि हमारी जो यूथ्स है वो दिन ब दिन इस दलदल में फंसते जा रहे हैं, इस दलदल का शिकार होते जा रहे हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अच्छी तालीम के साथ साथ अपनी बच्चों की अच्छी तरबियत भी करें, और अगर उनकी कोई प्रॉब्लम्स है, उनके कोई मुश्किलात है, वो उनको समझे, वो अपने जो बच्चे हैं उनके साथ कम्युनिकेट करें, उन प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करें और फिर उन प्रॉब्लम्स को हल करने की भी कोशिश करें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो